टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे शहर के कापुर बावड़ी क्षेत्र में ABIA कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी का यह एक मामला सामने आया है, जहां कोलसेत गांव साइट पर लगे मोबाइल टावर से वोडाफोन कंपनी और एयरटेल कंपनी के दो ABIA कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चुरा लिए गए थे। इस अनोखी चोरी के मामले को दर्ज कर पुलिस ने दीवा में रहने वाले 38 साल के विवेक देवी दीन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि उसने एक साथी की मदद से कापुर बावड़ी और कासर बावड़ी इलाके के चितलसर थाने शहर में लगे मोबाइल टावर से ABIA कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी की और भाई खल्ला में रहने वाले नरेश कुमार जैन को बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 7,20,000 रुपये कीमत की 14 ABIA कार्ड और 8 बेसमेंट यूनिट जब्त कर लिया है। ABIA कार्ड में कुछ प्रमाण और प्लेटिनम और चांदी का अंश होता है। यह जानकारी होने के बाद आरोपी ने यह कार्ड चुराकर मात्र 300 रुपये में भंगार में बेच दिया था। आपको बताते हैं कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, सुनिए। कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर क्रमांक 197/2022 अंडर सेक्शन 379 IPC के तहत दर्ज था। ये ऑफेंस 6/5/2022 दाखिल रजिस्टर था। उसमें एयरटेल या वोडाफोन ये कंपनी के टावर, मोबाइल टावर जो होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की चोरी हुई थी। तो वो ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन API पिंपले और उनकी टीम ने किया। उसमें एक संदिग्ध आरोपी जो था, उसका लोकेशन दीवा में मिला। तो हमारी टीम ने वहाँ पर ट्रैप लगा के विवेक सिंह को जो कब्जे में लिया, उनके पास डिटेल इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये गुना, कापुर बावड़ी का ये जो गुना किया, कबूली दिया। उसमें उसका एक साथीदार है, वो अभी यहाँ नहीं है, वो UP में है। उसको भी हम अभी वांटेड है, वो उनको हम बाद में लाएंगे। ये गुना करने के बाद वो ये जो चोरी का माल था, ये भाईकला में जैन करके एक व्यापारी है, उसको भंगार में बेचा था। वही उनके पास जाके तुरंत हमारी टीम ने जैन के भाईकला जाके उनके शॉप से ये माल रिकवर, 100% माल रिकवर किया है। वही उसमें और चितलसर और कासरवाड़ी एक एक गुना उस वो पुलिस स्टेशन में दर्ज है। वहाँ का भी माल 7,20,000 रुपये का टोटल माल तीन गुण ऑफेंस में का रिकवर किया है। आरोपी हमारे कस्टडी में है, आगे के इन्वेस्टिगेशन शुरू है और कुछ गुने ओपन होने के चांसेस हैं।